एक एक बड़ी बड़ी खबर आ रही खबर है आ रही है दोस्तों, दोस्तों भारतीय भारतीय टीम टीम को को लगा लगा एक एक बहुत बहुत ही ही बड़ा बड़ा झटका। झटका। स्टार स्टार बल्लेबाज बल्लेबाज आज आज के के भी भी मैच मैच में में खेलते खेलते हुए हुए नजर नजर नहीं नहीं आएंगे। आएंगे। जी जी हाँ, हाँ, नाम नाम है है श्रेयर श्रेयर जो जो आज आज के के मैच मैच से से भी भी बाहर बाहर हो हो गए गए हैं हैं और और उनके उनके बैक बैक की की प्रॉब्लम प्रॉब्लम अभी अभी भी भी सही सही नहीं नहीं हुई हुई है, है, तो तो वो वो आज आज के के मैच मैच में में भी भी खेलते खेलते हुए हुए नजर नजर नहीं नहीं आएंगे। आएंगे। हाल ही हाल ही में में 2 सालों दो सालों से से वो वो बहुत बहुत ही ही अच्छा अच्छा प्रदर्शन प्रदर्शन करते करते आ आ रहे रहे हैं हैं टीम टीम इंडिया इंडिया के के लिए, लिए, और और नंबर नंबर 4 पे,4 पे, मतलब मतलब बहुत बहुत ही ही बेहतरीन बेहतरीन रिकॉर्ड रिकॉर्ड भी भी है है उनका। उनका पर पर आज आज के के मैच मैच में में भी भी वो वो खेलते खेलते हुए हुए नजर नजर नहीं नहीं आएंगे। आएंगे। और और क्या क्या बताया बताया जाए, जाए, मतलब मतलब टीम टीम इंडिया इंडिया के के लिए लिए बहुत बहुत ही ही बड़ा बड़ा झटका झटका है, है, क्योंकि क्योंकि नंबर नंबर 4 पे4 पे बहुत बहुत ही ही बेहतरीन बेहतरीन बल्लेबाजी बल्लेबाजी उन्होंने उन्होंने की की थी। थी। तो तो इतना इतना बड़ा बड़ा झटका झटका टीम टीम इंडिया इंडिया के के लिए लिए क्या क्या बोल बोल सकते सकते हैं हैं अभी। अभी। मिडिल मिडिल ऑर्डर ऑर्डर को को एक एक बैलेंस बैलेंस देते देते हैं हैं वो, वो, बहुत बहुत ही ही अच्छे अच्छे बल्लेबाज बल्लेबाज हैं। हैं। तो तो फिर फिर से से टीम टीम इंडिया इंडिया में में आज आज कोई कोई चेंजेस चेंजेस वैसे वैसे तो तो नजर नजर नहीं नहीं आ आ रहे रहे हैं। हैं। मुझे मुझे जहाँ जहाँ तक तक लगता लगता है है बैटिंग बैटिंग में में कुछ कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस चेंजेस नजर नजर नहीं नहीं आएंगे। आएंगे। हाँ, हाँ, बॉलिंग बॉलिंग में में ऐसा ऐसा हो हो सकता सकता है है कि कि शार्दुल शार्दुल के के जगह जगह पर पर शमी शमी खेलते खेलते हुए हुए नजर नजर आए आए टीम टीम में, में, और और बाकी बाकी ऐसे ऐसे कोई कोई चेंजेस चेंजेस मुझे मुझे नहीं नहीं लगते लगते हैं हैं कि कि आज आज के के मैच मैच में में होगा। होगा तो तो ये ये थी थी एक एक बड़ी बड़ी अपडेट अपडेट श्रेयर के हवाले से। तो मेरी भी आपको